कृष्णा बुटवाड़ा फील्डिंग कर रहे थे, कृष्णा को अब सर्कल के अंदर में शामिल किया जा रहा है। शॉट पहले के सन के ऊपर, कप्तान करण वेलनपुर की ओर से, करण वेलनपुर विकेट कीपर की सेवा दे रहे हैं, नील आर्मी सुतवाड़ के कप्तान है। और इस बार फ्लिक जरूर किया बल्लेबाज ने, कृष्णा गेंद के पीछे गए वहां पे और पूरी कोशिश एफर्ट जरूर थी उनकी, और जब तक गेंद को फील किया जाए, थ्रो दिया जाए, तब तक दो रन पूरे कर चुके थे। अच्छी कोशिश की गई कृष्णा की ओर से। योगेश भाई एसआर भी इस टीम का हिस्सा है, मेरे खास दोस्त भी है योगेश भाई। और इस बार फ्लिक किया, इस बार गेंद जा रही है, कैच है, कैच है, ये कैच लिया जा रहा है टैप बॉल में। क्या रिकॉर्ड अंकित किया जा रहा है डीप स्क्वायर लेके फील्डर की ओर से, टैप बॉल में कैच लेने वाले ये तीसरे फील्डर है, द थर्ड फील्डर इन टैप बॉल क्रिकेट, पिक्ड अप कैच इन डीप स्क्वायर लेग रीजन। दो रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर बेलाटेन फाइटर्स। अभिषेक के रूप में लगने वाला ये पहला विकेट स्कोर है, दो रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया गया अर्पित भाई की ओर से। ये ग्रुप बी का महत्वपूर्ण मैच, जो जीतेगा ग्रुप बी वन टॉप हो जाएगा। बैट्समैन बल्लेबाज को तैयार रखे, आपके 90 सेकंड के अंदर में आपको एक बल्लेबाज को अंदर भेजना है, ये खास ध्यान रखें आप। जय जा रहे अब बल्लेबाजी में कई बड़े उल्टफेर किए जा रहे हैं अर्पित भाई की ओर से। टैप बॉल का ये ओवर किया जा रहा है अडील दोलवन की ओर से। प्रतीक खेरगा फील्डिंग कर रहे हैं, शॉट मिड ऑफ के स्थान के ऊपर, शॉट एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर हितेश, शॉट कवर पॉइंट के स्थान के ऊपर हैनिश, शॉट पहले के स्थान के ऊपर कृष्णा बुटवाड़ा। ये रिवर्स शिफ्ट स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज, गेंद गई वहां शॉट पॉइंट की और कोई रन नहीं, वहां पे स्कोर इस बीच रुका हुआ, दो रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर बेलाटेन फाइटर। समीर चौधरी फील्डिंग कर रहे शॉट मिड ऑफ के स्थान के ऊपर, अच्छी गेंद थी, एकदम नीची गेंद थी, हल्के हाथ से स्टोक को खेला गया शॉर्ट स्क्वायर लेग की ओर, जब तक इनको आकर फील किया जाए, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ तीन रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर बेलाटेन फाइटर। हैनिश पटेल अब फील्डिंग कर रहे हैं डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, प्रतीक खेरगा फील्डिंग कर रहे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज हितेश। हल्के हाथ से स्ट्रोक को खेला गया, बहुत ही सूझबूझ के साथ पारी खेल रहे बल्लेबाज हितेश। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है तीन रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। ये ऐसा ओवर किया गया टैप बॉल में जिसमें कोई वाइड नहीं, ये पहला रिकॉर्ड है टैप बॉल में, ग्रेट रिकॉर्ड बिहाइंड हिम द बॉलिंग टीम, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है टैप बॉल में, कोई भी वाइड गेंद नहीं है इस ओवर में। स्कोर तीन रन और गेंदबाजी की जिम्मेवारी करण पटेल ने भी संभाल रखी है, अनिल आर्मी सुतवाड़ इलेवन के ये कप्तान, विकेट कीपर में वीरल पटेल गणदेवा। जैनिन फील्डिंग करे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग भी है जय के लिए, शॉर्ट नाम पुल स्ट्रोक के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग फील्डिंग सेट अप इन पावर प्ले ओवर। इस बार आउटसाइड इन स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, कृष्णा गए वहां पे, जब तक इनको उठाया जाए, एक रन पूरा किया, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ बेलाटेन फाइटर्स का, चार रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर हितेश बल्लेबाजी के ऊपर। पहले मैच में क्या पारी खेली गई बेलाटेन फाइटर्स के बल्लेबाज, सलामी बल्ले बाएं हाथ के बल्लेबाज हितेश की ओर से। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के स्थान के ऊपर हितेश देगाम,
इस बार आ गया कर बल्ले का मुंह खोला गया, गेंद गई वहां पे शॉट मिड ऑफ की और स्ट्रोक के साथ ही निकल पड़े थे बल्लेबाज एक रन के लिए। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ बेलाटेन फाइटर्स का 5 रन। पारी का ही दूसरा ओवर चल रहा है एक विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार ग्राउंड स्ट्रोक खेला जा रहा है, खूबसूरत फील्डिंग वहां पे समीर चौधरी की ओर से शॉट मिड ऑफ के ऊपर। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ बेलाटेन फाइटर्स का 6 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। स्ट्राइक के ओवर है बल्लेबाज हितेश। ये इस बार अंदर आती हुई गेंद अपेक्षा से नीची रही हितेश के लिए और ये बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑफ ब्रेक बॉल था, गेंद अंदर की ओर गई को रुका हुआ 6 रन बेलाटेन फाइटर्स का। फील्डिंग में एक परिवर्तन किया जा रहा है, शॉर्ट लॉन्ग ऑन के स्थान के ऊपर प्रतीक खेरगाम, वाइट लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर समीर चौधरी। इस बार स्वीपर एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर स्ट्रोक को खेला गया जब तक गेंद को फील किया जाए अनिल की ओर से। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन। डिसिप्लिन गेंदबाजी की जा रही है अनिल आर्मी 11 की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर है जय। ये एक बार रिवर्स स्ट्रोक को खेला गया है, बेहतर रिवर्स एक फेरा गया बल्लेबाज जय की ओर से। गेंद गई वहां पे डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन। 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है बेलाटेन फाइटर्स का 11 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। बारवे खिलाड़ी में है धर्मीन भाई पटेल। कई चेंज किए गए इस मैच में टीम मेंटोर मनोज भाई पटेल कुकेरी की ओर से। जैनिल गणदेवा ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है और स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज हितेश। हैनिस पटेल फील्डिंग करे डीप स्क्वेयर एक बाउंड्री लाइन के ऊपर डीप मिड विकेट। काउ कॉर्नर स्ट्रेट लॉन्ग ऑन शॉर्ट लॉन्ग ऑफ सर्कल के अंदर, ये 6 हो जाएंगे, ये पक्के 6 हो जाएंगे। डीप इंक्रीज गए वहां पे डीप मिड विकेट के ऊपर से स्ट्रोक को खेला गया स्लॉग सिप 6 रन के लिए। अच्छी पारी खेल रहे बल्लेबाज हितेश, स्कोरबोर्ड चलाते रहे ये बल्लेबाज, ये बहुत ही बिजी प्लेयर भी है तो आपको स्कोरबोर्ड चलाते होना चाहिए। सिंगल डबल के ऊपर जाए टीम, स्कोर अब जा पहुंचा है 13 रन 17 रन। दौर में स्कोर था 11। यार हाल के हाथ से स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वहां पे कृष्णा की दिशा में शॉर्ट पॉइंट की ओर। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम बेलाटेन फाइटर का 18-18 रन। जय और हितेश की निर्णायक जोड़ी बीच मैदान के ऊपर। अब स्ट्राइक के ओवर है बल्लेबाज जय नवतारी। समीर चौधरी को अब सर्कल के अंदर में शामिल किया जा रहा है शॉर्ट लॉन्ग ऑफ के ऊपर। ये आसान कैच वहां पे कृष्णा बुटवाड़ा के लिए, क्या कैच लिया जा रहा है उसी जगह के ऊपर तैनात किया गया था वहां पे गेंदबाज जैनिर की ओर से कृष्णा बुटवाड़ा को। 18 के निजियों के ऊपर लगने वाला जय के रूप में दूसरा विकेट है बेलाटेन फाइटर्स को। 18 loss of 2 इन द थर्ड ओवर।
विजय के आउट होने के बाद आशीष को शामिल किया जा रहा है पेरा टेंट फाइटर्स के कप्तान अर्पित की ओर से। स्कोर 18 पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। आउट होने वाले बल्लेबाज अभिषेक चौधरी और जय। अब आशीष और हितेश की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर। हितेश के ऊपर काफी दारोमदार रखती है बेला टेन फाइटर। जय ने गेंदबाजी के ऊपर क्या गेंद कट रही है, वाइट का इशारा, अपेक्षा से ज्यादा टर्न मिला गेंद के ऊपर। कई बार ऐसा भी रहता है अपेक्षा से ज्यादा टर्न मिलता है विकेट के ऊपर, और ये ही रहा है जो सोचा नहीं था गेंदबाज की ओर से उतना टर्न मिला है गेंद के ऊपर। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ बेला टेन फाइटर्स का 19 रन। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 70-80 के आसपास पहुंचना चाहेगी बेला टेन फाइटर। यह रिवर्स खेला गया बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई हैनिस पटेल की दिशा में, जब तक गेंद को आगे आकर फील किया जाए शॉट गरी के स्थान के ऊपर। बीस रन, धीरे धीरे स्कोरबोर्ड बढ़ रहा जा रहा है। स्ट्राइक को रोटेट किया जा रहा है बल्लेबाज की ओर से, एक अच्छे बल्लेबाज के निशानी है बल्लेबाजों के बीच कि आप स्ट्राइक को लगातार रोटेट करें और एक दूसरे बल्लेबाजों को खेलने का मौका दे, आप जरूरी है बल्लेबाजों के लिए। इस बार ग्राउंड स्ट्रोक खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से, ये रन आउट हुए, बैट ग्राउंड नहीं हुआ वहां पे कि पहले गेंद जाकर टकरा गई थी स्टंप के ऊपर, जोक में रन लिया गया। इस बीच हितेश की ओर से लगने वाला ये तीसरे विकेट का नुकसान है 20 रन के निजी के ऊपर बेला टेन फाइटर को। ऐसा विकेट, एक बहुत सक्षम बल्लेबाज उठ रहे हैं। करण अब जा रहे हैं बल्लेबाजी के ऊपर, बाएं हाथ के बहुत ही उपयोगी बल्लेबाज करण। स्कोर 20 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है और तीसरे ओवर में तीसरे गेंदबाज का प्रयोग किया जा रहा है कप्तान करण वेलनपुर की ओर से। वेरी डिसिप्लिन कैप्टनसी बाय इज वेरी यंग कैप्टन करण पटेल। 25 साल की उम्र में कप्तानी का बोध दिया गया अनिल आर्मी के मेंटोर और ओनर की ओर से। ये मतलब ये 12 टीमों में सबसे यंग कप्तान है करण पटेल वेलनपुर। वो फील्डिंग करे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, और इस बार ये कैच नहीं है, ये टप्पा खाया। टप्पा खाने के बाद गेंद रुक कर गई वहां पे शॉर्ट थर्ड मैन की ओर। एक रन के लिए हुक करना चाह रहे थे लेकिन बल्लों के बीचों बीच नहीं आई गेंद, ये श्रेय जाएगा जयनील की ओर। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है बेला टेन फाइटर्स का 21, 21 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अच्छी शुरुआत है ये, 70-75 के आसपास जाना चाह रही है। लंबी बातचीत होने जा रही है वीरल पटेल के बीच, ऑप्शन है उनके पास, हितेश देगाम है, प्रतीक खेरगाम है, ये दो बहुत बड़े ऑप्शन है गेंदबाजी में। हैनिस पटेल आल्सो इज वेरी गुड ऑप्शन फॉर द बैट फील्डिंग टीम। प्रतीक गेंदबाजी के ऊपर जा रहा है प्रतीक खेरगाम से। ये 132 टीमों का जो ग्रामीण का टूर्नामेंट खेला गया वहाँ जीतने वाली टीम के महत्वपूर्ण सदस्य, पिछले साल 2023-24 का जो कैलेंडर रहा है, कैलेंडर ईयर
केरगम के लिए बहुत ही उच्च श्रेणी का रहा है। एक तो 32 टीमों में जीतना ये बहुत दूर की बात है। केरगम जीती थी वहाँ पे, कई बड़ी बड़ी टीमों को बाहर किया केरगम ने। आजकल ग्रामीण में एक छोटा जो गांव है 20-25 घरों का, वहाँ पे भी चैंपियनशिप है। ये भी आप देखिए ग्रामीण में बहुत बड़ा उलटफेर रहा है टेनिस बॉल क्रिकेट में पिछले 6 सालों से, जब से ये यूट्यूब आया है ना 2016 से लगातार अच्छे परफॉर्मेंस किए जा रहे हैं गेंदबाजों की ओर से और बल्लेबाजों की ओर से। ये पहला रिवर्स खेलने का आइटम किया गया था। ये हाँ, ये डायरेक्ट हिट होती तो बहुत दूर थे वहाँ पे बल्लेबाज करण। लेख भाई का इशारा अंपायर की ओर से, अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ बेला टेन फाइटर्स का 22 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। हैनी सब फील्डिंग कर रहे पहले के ऊपर, एक डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन, थोड़ा डीप लॉन्ग ऑफ के स्टन के ऊपर अनिल जैन इन फील्डिंग कर रहे हैं शॉर्ट कवर पॉइंट के स्टन के ऊपर। कृष्णा स्टैंडिंग इन स्क्वायर गली, इस बार स्वीप किया गया बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई वहां पे डीप मिड विकेट की ओर। जब तक गेंद को सफाई के साथ फील किया जाए, थ्रो दिया है, क्या थ्रो दिया जा रहा है करण वेलनपुर की ओर से, सिंगल डबल के साथ रन बनाए जा रहे हैं। बहुत अच्छा है, पहले आप देखे स्पीच की टीम की स्थिति और देखे बल्लों के बीचों बीच आप स्ट्रोक खेले, उसके बाद में आप बड़े स्ट्रोक लगा सकते हैं। कई बल्लेबाज पुरानी गेंदों के बाद स्ट्रोक लगाते हैं, कई गेंदबाज पुरानी गेंदों के ऊपर अच्छी गेंदबाजी करते हैं, ये भी है। ये दोनों टीम के लिए है। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक को खेलना चाह रहे थे, पहले से ही मन बना रहे थे कि मैं बैकवर्ड स्क्वायर लेग के एरिया में खेलूं, और गेंद थोड़ी दूर की गई वहां प्रतीक केरगम की ओर से। बल्लेबाज के जो इरादे हैं उनको पहले ही से ही देख भाप लिया था वहां गेंदबाज प्रतीक केरगम ने। ये रिवर्स खेला गया, एक सक्षम है रिवर्स, बहुत फास्ट आउट भी है, लंबा पीछा किया जा रहा है, आखिरकार रोका जरूर है। एडवर्टाइजिंग बोर्ड भी गिर गया लेकिन गेंद अंदर में थी वहां पे, 2 रन मिले, 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25। अच्छी दौड़ है देखिए हितेश और शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर के बीच, आशीष और करण की निर्णायक जोड़ी बीच मैदान के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर है दाहिने हाथ के बल्लेबाज आशीष। इस बार फाइनल एक क्षेत्र में खेलना चाह रहे थे, व्हाइट का इशारा अंपायर की ओर से, एक दिशाहीन गेंदबाजी वहां गेंदबाज प्रतीक केरगम की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ बेला टेन फाइटर्स का 26 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये 4th ओवर चल रहा है, ये डीप इंक्रीज का ये क्या एफर्ट किया जा रहा है अनिल की ओर से, क्या एफर्ट है ये, 6 रन एफर्ट महत्वपूर्ण था ये, चाहे देखिए रन नहीं रोक पाए वहां पे लेकिन एफर्ट बहुत लाजवाब था अनिल की ओर से। अब स्कोर जा पहुंचा है 32-32 रन। एक कॉन्फिडेंस भरा स्ट्रोक खेला गया आशीष की ओर से, बहुत देर से स्ट्रोक को खेलने की कोशिश कर रहे थे डीप इंक्रीज। अब स्कोर जा पहुंचा है 32-32 रन, पारी का 4th ओवर चल रहा है, दोनों के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी, सिंगल डबल ले रहे हैं, बीच बीच में मौके मिल रहे हैं, वहां चौके छक्के लगाए जा रहे हैं। ये कैच है, ये कैच है, देखिए फील्डर, ये आसान कैच है शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर की ओर से, 32 रन के नीचे के ऊपर लगने वाला ये 4th विकेट का नुकसान है बल्लेबाज आशीष के रूप में बेला टेन फाइटर को। 32 पानी, ओके पानी अब लेकर जाए बीच, 4 ओवर हो चुके हैं, 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 32 रन। धर्मिन लेकर जा रहा है, कुछ मैसेज भेजे गए मनोज भाई कुकेरी की ओर से, और जॉयल दास भी जा रहा है, अब कुछ जा रहे हैं बल्लेबाजी के ऊपर आउट होने के बाद।
ये पिच ऐसी बनाई गई है, देखिए ये ऐसा एग्जामिनेशन है, ऐसी कसौटी है बल्लेबाज और गेंदबाज के लिए, आप जहां चाहे वहां स्ट्रोक नहीं खेल सकते, ऐसा पिच है। सोलर पैनल्स की लाइफ होती है 25 साल, मगर जिस फ्रेम के ऊपर सोलर पैनल्स को लगाया जाता है उसको बोला जाता है स्ट्रक्चर। तो अगर आपके सोलर पैनल 25 साल चलेंगे तो आपके स्ट्रक्चर को भी 25 साल चलना चाहिए। अगर आप एक नॉर्मल आयरन का स्ट्रक्चर लगा लोगे तो वो 2 से 3 साल में ही टूट जाएगा और आपके सोलर पैनल को नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए हमेशा यूज करना चाहिए गैल्वनाइज्ड आयरन का जिंक हॉट डिप स्ट्रक्चर, जिससे कि आपका स्ट्रक्चर भी चलेगा पूरे 25 साल। सोलर पैनल्स की लाइफ होती है 25 साल, मगर जिस फ्रेम के ऊपर सोलर पैनल्स की लाइफ होती है 25। एलडी कंस्ट्रक्शंस के मालक भी हाजिर है, सोनू भाई ऑल मैन ऑफ द मैच के ट्रॉफी के स्पॉन्सर्स। समग्र सीरीज में पूरी टूर्नामेंट में जो ज्यादा रन बनाए गए वो बल्लेबाज को बेस बैटर कोई नाम दिया जाएगा। AATA के प्रोपराइटर समीन भाई शेख वालोड की ओर से बैट। चैंपियन ट्रॉफी और रनर्स अप ट्रॉफी के स्पॉन्सर्स JC चौधरी साहब बारडोली, RC हॉस्पिटल बारडोली, सनशाइन सोलर स्मित भाई, प्रिंस टायर वास्कुई, जैनिल। आई पीछे हटकर स्ट्रोक को खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज, गेंद गई विकेट कीपर वीरल की दिशा में, डॉट गेंद, स्कोर इस बीच रुका हुआ 32-32 रन। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज करण। ये बाद में बल्ला घुमा, गेंद थोड़ी देर से गई विकेट कीपर की ओर, क्या टप्पा किया जा रहा है जयनील की ओर से। आउटस्टैंडिंग रिमार्केबल बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय जयनील गणदेवा। इस बार हल्के हाथ से ये फिर से डॉट गेंद, तीनों गेंदे डॉट जयनील गणदेवा की ओर से। इस टीम के देखिए युवा में दो है वहां पे, करण पटेल और जयनील, ये सबसे युवा है इस टीम में, है आर्मी 11 में, धर्मेंद्र भी है और समीर चौधरी ऑल्सो एंड कृष्णा बुटवाड़ा। कृष्णा से शरीर से ऐसा लगता है कि ये 30 की आयु के हो गए ऐसा लग रहा है, उनका शरीर ऐसा लग रहा है, देखिए हटपुर शरीर के ये बल्ले फील्डर है, शरीर ज्यादा फूल चुका है। ये क्या गेंद की जा रही है जयनील की ओर से, वाइट वाइट का इशारा अंपायर की ओर से, अंपायर डिक्लेयर वाइट बॉल। गौ भाई भी आ जाए, गौ गरासिया वेलकम है, पटेल टी सेंटर्स के जो फ्रेंड्स ग्रुप के महत्व सदस्य भी है। आइए क्या गेंद की जा रही है वहां पे, ये नहीं है, स्कोर इस बीच रुका हुआ, क्या ओवर किया जा रहा है युवा गेंदबाज जयनील की ओर से। लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक बाएं हाथ के बल्लेबाज करण के लिए, इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, कैच है और ये कैच लिया गया डीप लॉन्ग ऑफ के फील्डर की ओर से। क्या गेंदबाजी की जा रही है जयनील की ओर से, स्कोर 33। एक वाइट का ही रन आया है वहां पे, देखे केवल एक रन वो वाइट का दिया गया और एक विकेट दिया गया जयनील की ओर से। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 33। बल्लेबाज थोड़ा जल्दी आ जाए, देखिए ये बल्लेबाज आउट होकर आ जाए, दूसरे बल्लेबाज को तुरंत आपको तैयार करने पड़ेंगे जो बल्लेबाज जाना चाह रहे हैं। स्कोर 33-33 रन 5 ओवर की समाप्ति पर। ज्वाइल दास अब स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे, बीजू भाई आए हैं, ये सबसे अनुभवी बल्लेबाज है बीजू भाई,
कई बार टीम का मसीहा बने, ये बल्लेबाज ऐसे है, बल्लेबाज विजू, जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ रन कई बार बनाए गए विजू भाई की ओर से। स्कोर 33। भाई गऊ भाई गरासिया कहाँ गए, वहां देख रहे कुपरांग भाई के साथ बैठे हुए हैं। वाइट का इस भी सर अंपायर्स की ओर से अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34। ये वाइट का इशारा अंपायर्स की ओर से स्कोर 35 35 रन। आसान कैच वहां पे ही तेज देगाम की ओर से शॉर्ट कवर की ओर 35 35 लॉस ऑफ 5 35 रन। धर्मेश और विजू की जोड़ी बीच, अब जोएल दास के आउट होने के बाद गति परिवर्तन किया गया था करण की ओर से, अब धर्मेश और विजू की जोड़ी स्कोर 35 35 रन पारिकाई छठा ओवर। फुलटॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, गेंद गई डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 36 रन। कृष्णा गेंदबाजी की एक्सरसाइज करते हुए, और ये क्या कॉल, ये गूगली बॉल जिसको कहा जाना चाहिए, सुपर गूगली बॉल। ये पिच वैसे वे अमित ने बताया था, ये ऐसा बेहतर गेंदबाजी के लिए पीछ रहा है ये अमित। इस बार ग्राउंड स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई वहां पे डीप लॉन्ग ऑफ की ओर, जब तक गेंद को दहिनी ओर जाकर फील किया जाए एक रन। गामित को देखा, अर्नल गामित को देखा, भाविन हलपति को देखा कल, यही बेहतर है, ये बेहतर स्ट्रोक है बल्लेबाज की ओर से, डीप इंक्रीज गए थे वहां पे, गेंद गई वहां पे काव कॉर्नर की ओर, स्कोर 38 पारिकाई छठा ओवर चल रहा है, 5 विकेट के नुकसान के ओवर बेला 10 फाइटर। ग्रुप बी का तीसरा मैच, ये वाइट का इशारा अंपायर्स की ओर से 39। पारी का ये ओवर नंबर चल रहा है छठा, बीजू बाई स्ट्राइक के ऊपर। ये क्या रिवर्स खेला जा रहा है, सबसे अनुभवी है इस टीम में बीजू भाई, अच्छी गेंद थी वहां पे, ये सोचा समझा स्ट्रोक खेला गया, प्री माइंड स्ट्रोक। अब स्कोर जा पहुंचा है 42 43, 43 रन 6 ओवर की समाप्ति पर। फैशन हट भी है टूर्नामेंट का हिस्सा रही है, जय माता जी एंटरप्राइज, स्टील एंड सीमेंट, जयदीप सिंह परमार, एलडी कंस्ट्रक्शन, सनशाइन सोलर, शिवम चश्मागर, हैतल पटेल। ये मुकाबला मजा आएगा, देखिए अब सक्षम पारिया खेलना है, ये अंदरूनी भाग कर लग कर गई, शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में कोई रन नहीं वहां पे,
विजू स्ट्राइक लेना चाह रहा है। अब 11 गेंदें शेष बच रही है, पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोर है 43 बेला 10 फाइटर का। ये फिर से क्रॉस बैट स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, क्या गेंदबाजी की जा रही है अनिल लोलवन की ओर से। रस्तामां जे गाड़ी अड़चणरूप थई रही छे एमना वाहन मालिकोने विनंती करीश के मेन रस्ता उपर कोई पण गाड़ी पार्क न करे ने पूरतो सहकार आपे। मेन रोड उपर कोई पण बाइक पार्क न करे, क्या आप राइट सीम के साथ गेंदबाजी की जा रही है अनिल की ओर से। स्कोर deep by 44 in the 7th over। इसका रन आउट होना या आधे बल्ले से स्टॉक को खेला गया, उछल कर जा रही, क्या फील्डिंग की जा रही है वहां पे डीप लॉन्ग ऑफ के फील्डर की ओर से। दो रन जरूर मिलेंगे बल्लेबाज को, दो रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 46 रन। विजू भाई बिजी प्लेयर से कोर्टबोर्ड को लगातार चला रहे हो, एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी है। ये अवॉइड किया गया, एकदम सीधी गेंद थी वहां पे, सीधी गेंद जरूर थी वहां पे, देखिए नेचुरल एंगल था वहां गेंदबाज की ओर से। स्कोर 46 सात ओवर की समाप्ति पर। हितेश भाई को अगर पहचान है तो उल्टी कैप देख लीजिए, 46 उल्टी कैप कोई भी पहना होगा समझ जाए वो हितेश पटेल है। 46 रन सात ओवर की समाप्ति पर। धर्मेश और विजू की जोड़ी अभी तक दबाई रखा है, देखिए ऐसी स्थिति के ऊपर रन कंट्रोल किया जा रहा है हैनिल आर्मी सुथवाड़ की ओर से। ये ग्राउंड स्ट्रोक खेला जा रहा है, खूबसूरत स्ट्रोक उतनी खूबसूरत फील्डिंग करण की ओर से डीप लॉन्ग ऑन की ओर। एक रन मिला, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47। गेंदबाजों की ओर बल्लेबाजों की बोलबाला रही है, एक मददगार विकेट है। भाभी ने देखे छक्के लगाए थे अंतिम मैच में। खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज, डायरेक्ट हिट करना चाह रहे थे वहां पे और दूसरा रन भी पूरा कर चुके हैं बीच। स्कोर 49 पारी का ये 8वां और अंतिम ओवर है। हितेश देगाम ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है अनिल आर्मी के लिए। और इस बार फाइनल क्षेत्र में हुक किया जा रहा है, बहुत लंबा पीछा किया जा रहा है, गेंद को जब तक रोका जाए खूबसूरत थ्रो दिया जा रहा है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के फील्डर की ओर से। अब स्कोर जा पहुंचा है 50 रन 50। पारी का ये अंतिम ओवर 8वां ओवर चल रहा है, हितेश अपने कोटे के पहले ओवर में और पारी के अंतिम ओवर में। ये नो बॉल ये वेस्ट हाई के ऊपर काफी रही थी। फ्री हिट स्कोर 51 रन। ये बैक ऑफ द हैंड गेंदबाजी करना चाह रहे थे, या 100-200 गेंदों के बाद कर सकते हैं नेट के, वो आपको पहले नेट करना था मॉर्निंग में। ये पीछे जाकर स्ट्रोक को खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज बैकफुट के ऊपर। स्कोर रुका हुआ 51 धर्मेश स्ट्राइक के ऊपर।
प्रिया साथी आशा की अनुरूप पारियां नहीं खेल रहे है। धर्मेश विजू ने अच्छी पारियां खेली, स्कोर को स्कोरबोर्ड को चलाते रहे वो बिना टेन फाइटर के लिए। ये वाइट का इशारा अंपायर की ओर से, स्कोर 52 52 रन। ये बड़ी हिट की ओर जाए, दूसरी ओर डॉट गेंद या विकेट की ओर जाए, है नील आर्मी, स्कोर 52। फाइटिंग स्कोर बनाया जा रहा है। इस बार फाइनल क्षेत्र में खेला गया है, कृष्णा गेंद का पीछा कर रहे हैं, अच्छी फील्डिंग वहां कृष्णा बुटवाड़ा की ओर से, स्कोर 53 53। और स्ट्राइक के ओवर अब बल्लेबाज विजू भाई, लीजेंडरी क्रिकेटर्स। और इस बार आसान कैच वहां पे डीप वाइट मिड विकेट के फील्डर की ओर से, क्या फील्डिंग की जा रही है, छाए हुए है कप्तान करण पटेल। तो 53 रन बनाए गए, 54 रन का टारगेट है इस मैच को जीतने के लिए, 54 रन टारगेट इन 48 बॉल। लकी बारोट की, लकी गामित की जो गेंदबाजी रहेगी वो महत्वपूर्ण रहेगी बिना टेन फाइटर की ओर से। पहली मैच के मैन ऑफ द मैच थे, वेरी आइकॉनिक त्रेपन रन बनाए गए, 54 रन का टारगेट मिला इस मैच को जीतने के लिए। दीप भाई की ओर से भी अच्छी मेहनत की जा रही है, देखे दीप भाई है, चिराग भाई है, तेजस भाई है, चिराग भाई आज जुड़ चुके हैं, गऊ भाई गरासिया भी जुड़ चुके हैं आज, लेकिन बहुत अच्छी जगह के ऊपर दूर से मैच को देखा जा रहा है। ये व्यारा से आए हुए हैं, व्यारा से इस मैच को देखने के लिए आए हैं। तो कृपांग भाई उनकी जोड़ी भी मशहूर है, देखे ये आपस में बातचीत कर रहे हैं वहां पे कृपांग भाई के साथ गऊ गरासिया, अर्पित और गऊ के बीच अब बातचीत होने जा रही है। ये दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड भी है। इस मैच के बाद ग्राउंडमैन भी तैयार रहे, जैसे ही इनिंग समाप्त रहेगी उसके बाद भी ग्राउंडमैन को पिच के ऊपर जाना है, क्रीज सही करना है। ग्राउंडमैन तैयार रहे मन्नर भाई और एनसीजी की पूरी टीम, अच्छा सहयोग दिया जा रहा है एनसीजी की ओर से। गांव के कई सदस्य जो 60 साल के आयु के बीच की उम्र के और यंगेस्ट, ये अच्छा सहयोग मिला है ग्रामस्थ नड़दरा की ओर से। हैनी से इनिस बुला रहे हैं, देखिए पेनल्टी रहा, 3 रन की पेनल्टी है, हाँ ये समझती है। टीम के स्क्वाड के अलावा मेंटोर और मैनेजर्स, इसके अलावा अगर कोई भी दिखा पाएगा पोजीशन टीम के कप्तान को, अगर वो अपील करेंगे तो 3 रन पेनल्टी है, जैसे मैच शुरू होता है उसके बाद का ये नियम है। नितिन भाई का भी हार्दिक स्वागत। चौवन रनों का टारगेट, हाँ 54 रन। ये कई बार देखे ऐसा भी रहा है नितिन भाई, छोटा स्कोर के ऊपर कई बार टीम जीती भी है, ऐसा नहीं है कि फटाफटी के साथ इस मैच को 6 ओवर में समाप्त किया जाए, ये बहुत दूर की बात है। आपके पास विकेट के लिए विमल भाई कितने अच्छे गेंद चाहिए, केवल 10 चाहिए, टीम ऑल आउट हो जाएगी 10 अच्छी गेंद आप करेंगे। क्रिकेट दिमागी खेल के साथ तेजस भाई मैदानी खेल भी है, आपके ऊपर कितना रिक्वायर्ड रन रेट है, आप पावर में कितना रन बनाना चाहते हैं, ये मेंटोर की ओर से भी कहा जाता है। मेंटोर की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है टीम मेंटोर। 54 रनों का टारगेट, लंबी बातचीत होने जा रही है अभिषेक और फील्डरों के बीच। टैप बॉल के साथ शुरुआत कर रहे हैं इस बार करण को शामिल किया जा रहा है टैप बॉल के साथ। ओके
प्रतीक सर और अर्जुन टंडेल सर, ये दोनों ऑन फील्ड अंपायर, एवीपी नेटवर्क लाइव। कल के दिन में पहले दिन में 20,000 से अधिक ने देखा, पहली दो इनिंग में 8,900 के आसपास इस मैच को देखा एवीपी नेटवर्क लाइव के ऊपर। उन सभी का आभार। आप एवीपी नेटवर्क को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का जो घंटी हो दबाना ना भूलें, पूरे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। करण गेंदबाजी के ऊपर करण आए हैं। अनिल और वीरल, ये दोनों सलामी बल्लेबाज आए हैं। प्रतीक भाई आपका हार्दिक स्वागत। इस बार अंदर आती हुई गेंद, टैप बॉल है। अपेक्षा से ज्यादा नीची भी रहेगी, ऊंची भी रहेगी, ये टैप बॉल है। केवल 3 सिक्सर्स लगे हैं टैप बॉल में। जिकने से 2 सिक्सर्स लगे और मोनिल पटेल ने 1 सिक्सर्स लगा। ये है टैप बॉल का कमाल। अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है टैप बॉल में, ये यहां से और भी विकेट गेंदबाजी की जा रही है करण की ओर से अनिल के लिए। अच्छी गेंद थी, लेंथ लाइन देखे, गिलेन और लाइन देखे इस बार करण की। ये फाइटिंग स्कोर है, ये सोच रही है बेला 10 फाइटर्स, ये इसमें डिफेंड कर सकती है। करण गेंदबाजी के ऊपर आया है, बाई हाथ के बहुत उपयोगी गेंदबाज है। धर्मेश फील्डिंग कर रहे शॉर्ट लॉन्ग ऑन के स्थान के ऊपर, थ्री मिड ऑन के स्थान के ऊपर बीजू भाई। हाँ, ये अच्छी गई, क्या गेंद की जा रही है गेंदबाज की ओर से। नीलू भाई का भी हार्दिक स्वागत। नीलू भाई भी हमारे कमिटी मेंबर्स के महत्वपूर्ण सहयोग है। नीलू भाई क्या गेंदबाजी, एक सीरी मिड ऑफ, सीरी मिड ऑफ अब शामिल किया जा रहा है पावर प्ले के ओवर में। सीरी मिड ऑफ एम सीरी मिड ऑन टैप बॉल में, ये पहली बार देख रहा हूं प्रतियोगिता में। अच्छे क्या गेंद की जा रही है गेंदबाज करण की ओर से, एकदम सीधी गेंदबाजी की जा रही है करण की ओर से। टैप बॉल के साथ देखे गेंद जिसको कहा जाना चाहिए, गेंद और घुमलियों का जो घुमाव है ये महत्वपूर्ण है टैप बॉल में। ये बखूबी किया जा रहा है करण की ओर से। 54 रनों का टारगेट, मेरी 4 गेंदे डॉट। मैच में वापसी और पलटवार करना जानती है दोनों टीमें। ये अंदर आती हुई गेंद, खूबसूरत वापसी की जा रही है करण की ओर से। 5 गेंदे डॉट, क्या ओवर किया जा रहा है टैप बॉल में गेंदबाज करण की ओर से। कमेंट आ रहे, देखिए यूट्यूब के ऊपर एक अच्छा कार्य किया जा रहा है आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी में। कल एफबी के ऊपर इंटरव्यू भी सुना आपने अभिषेक चौधरी का, 5,400 से अधिक ने फेसबुक के ऊपर वीडियो सुना। वो अच्छी गेंद थी, मेडन ओवर करने वाले ये पहले गेंदबाज है इस प्रतियोगिता में टैप बॉल में। द आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड बिहाइंड हिम इन टैप बॉल ओवर इज मेडन बाय करण। ये है प्रतियोगिता। अक्षय यही सोच रहे, अक्षय ने पहला ओवर किया था वहां 15 रन खर्च किए थे ड्रीम इलेवन की ओर से। आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है टैप बॉल के साथ तो आप गेंदबाजी न करें टैप बॉल में, क्योंकि आप नेट करें। गेंद को देखा जा रहा है नितिन भाई की ओर से, टैप बॉल कैसा रहता है। टैप बॉल को देखे, एक साइड से पूरा ये कवरिंग किया जाता है, एक खुला छोड़ा जाता है, वो है टैप बॉल। मेड एन ओवर करने वाले पहले गेंदबाज है इस प्रतियोगिता में करण टैप बॉल में। बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा है। राहुल,
राहुल ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोड़ से। ये इस बार लोअर फुल टॉस थी, डीप कर करके गेंद गई धर्मेश की दिशा में, जब तक गेंद को फील किया जाए धर्मेश की ओर से, मिस फील्डिंग धर्मेश की ओर से, ये नहीं चलेगा धर्मेश। एक एक रन बहुत कीमती है इस फॉर्मेट में, आप बेसिक के ऊपर जाए और फिजिक के ऊपर ध्यान दें। आप क्या स्ट्रोक खेला जा रहा है वीरू की ओर से, गेंद धीरे 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 अब चली गई वहां पे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर चार। और 6 रन जो सिंगल नहीं था वो सिंगल दिया गया, उसके बाद में चौका लग गया, धर्मेश सब फील्डिंग कराए शॉट मिड विकेट के ऊपर। ये कैच हिटे क्या प्रयास किया गया वहां पे विजू की ओर से, प्रयास जरूर अच्छा था वहां विजू भाई की ओर से, कैच नहीं था ये, कैच करने का प्रयास जरूर किया गया विजू भाई की ओर से। ये धर्मेश अगर ऐसी ट्राई करते थे वहां 1 रन बचा सकते थे। धर्मेश आप सीखे विजू भाई से, आप इनकी फील्डिंग देखे, आप डाई देखे क्या डाई किया जा रहा है उनकी ओर से। अब स्कोर जा पहुंचा है 7 रन, पारी का दूसरा ओवर। अनिल अन्ना बीजू भाई को दाएं बाएं शामिल किया जा रहा है। भाई बीजू भाई को आप ज्यादा दौड़वाए ना, आप सबसे वरिष्ठ क्रिकेटर है विजू भाई। डीप गए थे वहां पे, जब तक इनको फील किया जाए, आगे आकर स्ट्रोक खेलने का एक प्रयास किया गया था, स्कोर इस बीच रुका हुआ 7। पारी का ही दूसरा ओवर चल रहा है, टारगेट 54। इस बार क्या होता है विकेट स्टोक को खेला, जब तक फंबल किया गया वहां पे फील्डर की ओर से, शॉर्ट गली के फील्डर की ओर से, 1 रन मिला और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। कोई भी विकेट का नुकसान नहीं, पारी का दूसरा ओवर चल रहा है, इस बार हुक किया गया, इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की और 6 रन के लिए, 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन। लकी और अभिषेक के छोड़कर ये गेंदबाजी सौंपना ये हार और जीत का कारण भी बन सकती है बेला टेन फाइटर। अच्छी शुरुआत दी गई है, अब स्कोर जहां पहुंचा है 16 रन 2 ओवर की समाप्ति पर 14 रन। ये मैच में आने का संकेत दिया जा रहा है। आपके पास एक अनुभवी अगर गेंदबाज है, अभिषेक जैसे गेंदबाज और लकी गामी जैसे गेंदबाज, उनको छोड़कर आपने दूसरे गेंदबाजों को दी गेंदबाजी, ये हार और जीत का कारण भी बन सकती है बेला टेन फाइटर के लिए। आपने पहली मैच में किसने जीता है आपको, लकी गामी ने जीता, उनको क्यों आपने दूर रखा है गेंदबाजी से, ये और हार और जीत का कारण भी बन सकती है टीम। क्या करेगा, हाँ ये पूछा जाएगा उनको, इसके बाद का ये दूर डाई सिचुएशन वाला मैच है। ये शॉट खेला, क्या शॉट खेला जा रहा है 6 रन के लिए, मजबूत आई में आए वहां पे दूसरे ओवर में।
पहले ओवर मेडन, दूसरा ओवर में 14 रन, अब स्कोर जहां पहुंचा है 20 रन। यह है टीम की स्थितियां। और ये फाइनल क्षेत्र में स्ट्रोक को खेला जा रहा है, फील्डर है, ये नहीं रोक पाएगे, गेंद गई डीप फाइनल एक बाउंड्री लाइन की और हुक स्ट्रोक खेला गया। प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है 24-24 रन। ग्राउंड स्ट्रोक खेला गया डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25-25 रन। इसमें पहला ओवर मेडन था। विराट स्ट्राइक के ऊपर इस बार बल्लेबाजी में कई चेंज किया जा रहा है कप्तान की ओर से अनिल आर्मी के लिए, कुछ हद तक सही साबित होने जा रहा है फैसले। ये बार पंच किया है फील्डर है वहां पे डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की और स्कोर 26-26 रन। कोई भी विकेट का नुकसान नहीं 54 रनों के जवाब में। अनिल और वीरल की निर्णायक जोड़ी बीच मैदान के ऊपर है अनिल आर्मी के लिए। ये कैच छोड़ा, ये कैच छोड़ा विकेट कीपर ने, थोड़ा लोअर डाउन कैच था विकेट कीपर के जई के लिए। स्कोर अभी भी रुका हुआ 26। इनको लाइन को थोड़ा कम किया गया था अभिषेक चौधरी की ओर से। राइट हम राउंड ही विकेट गेंदबाजी की जा रही है अभिषेक की ओर से। ये अंदर आती हुई गेंद, इस बार तेज इन स्विंग किया गया अभिषेक की ओर से। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 26 रन। कोई भी विकेट का नुकसान नहीं 54 रन के जवाब में। लेकिन अब गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। पहले का ओवर 2 ओवर 18 रन 3 विकेट और कोटे के पहले ओवर में और पारी के चौथे ओवर में शामिल किया जा रहा है कप्तान अर्पित की ओर से लकी गामित को। अच्छी शुरुआत है वहाँ अनिल आर्मी की ओर से वीरल और अनिल के बीच। इस बार स्लोवर गेंद थी, हल्के हाथ से स्ट्रोक को खेला गया था। 2 रन की डिमांड की जा रही है, 2 रन नहीं वहां पे, बहुत जल्द आए वहां पे डीप मिड विकेट के फील्डर शॉर्ट मिड विकेट की और विजू। फिटनेस देखे, फिटनेस के समस्या के कई समस्या रही है इनकी, फिटनेस बराबर रखी है विजू भाई ने। स्कोर 27 रन पारी का, ये चौथा ओवर चल रहा है 54 रन के जवाब में। पहले 53 के ऊपर रोका गया 8 मर्यादित ओवर की मैच में बेला टेन फाइटर को अनिल आर्मी की ओर से। इस बार वाइड यॉर्कर, ये क्वालिटी है गेंदबाज लकी गामित के पास। जई के ठीक के बाजू में शॉर्ट थर्ड मैन के सन के ओवर अभिषेक चौधरी, उसके ठीक बाजू में शॉर्ट पाई लेक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेक। ये स्लोवर था, ये देखे ये कलाइयो देखे, उनका कलाई देखे वहां पे फिंगर के साथ गेंदबाजी की रहा है। इनका पहला और तीसरा ओवर क्यों नहीं बना, मतलब जो पहला और तीसरा ओवर में क्यों उनको शामिल नहीं किया गया, चौथे ओवर में क्यों शामिल किया गया उनको, और ये कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं और पहले मैच के मैन ऑफ द मैच भी थे। 2 ओवर 18 रन 3 विकेट लिए थे इन्होंने। गेंदबाजी में काफी दूर रखा जा रहा है बेला टेन फाइटर की ओर से। ये फुल टॉस गेंद थी लेकिन 1 ही रन मिलेगा वहां पे, गेंद गई वहां पे वाइड लॉन्ग ऑन की ओर, तब तक 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28-28 रन। पारी का ही चौथा ओवर चल रहा है। विकेट के अनुरूप गुटलेन के ऊपर से इन स्विंग आउट स्विंग ये किया जा रहा है लकी गामित की ओर से।
ये घुमाव देखे रन आउट, ये क्या गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए अर्पित वहां पे। ये छोटे छोटे इंसिडेंट काफी रहे, या ओवर किया जा रहा है। जो तीनों गेंदबाजों ने गेंदबाजी की थी पहले ओवर को छोड़कर, वो पहला ओवर मेडन था टैप बॉल में, उसके बाद में इकोनॉमिक गेंदबाजी की जा रही है लकी गामित की ओर से। ये मिड विकेट की, ये फील्डर है वहां पे, फील्डर है मिड विकेट की दिशा में। क्या गेंदबाजी की जा रही है लकी बारोट, लकी गामित की ओर से। चार ओवर की समाप्ति, और चार ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 30 रन। रिंग्स इंटरवल, इसमें चार ओवर में एक ओवर तो मेडन ही रहा है, मतलब ये तीन ही ओवर में रन बनाए गए। पिछला ओवर महत्वपूर्ण किया गया लकी गामित की ओर से। चौबीस गेंदों के ऊपर 24 रन चाहिए, 24 बॉल 24 रन रिक्वायर। सेंसिबल स्ट्रोक खेले जा रहा है, जैसे टीम की जरूरत है उसी हिसाब से अब पारिया खेल रहे हैं अनिल और बल्लेबाज वीरल पटेल गणदेवा। अब 23 गेंद और 23 गेंदों के ऊपर चाहिए 23 रन, 23 बॉल 23 रन। बेसिक और मेरिट के ऊपर अब स्ट्रोक खेले जा रहे हैं वीरल की ओर से। या ब्राइट सीम सी नाइस विकेट गेम बिहाइंड द स्टंप बाय विकेट कीपर जय। अच्छी वापसी अब करना चाह रहे हैं बल्ले गेंदबाज राहुल। थर्ड मैन के स्थान के ऊपर अभिषेक चौधरी। इस बार मिड विकेट की समय स्टॉक को खेला गया, फील्डर है वहां पे, और जब तक इनको फील किया जाए विजू भाई की ओर से। डिसिप्लिन गेंदबाजी और बल्लेबाजी की जरिए दोनों बड़ी टीम की ओर से। ग्रुप बी का ये महत्वपूर्ण मैच जीतेगा बी वन हो जाएगा, के बाद में विहार बजरंग और ड्रीम इलेवन के बीच नॉकआउट स्टेज का मैच। यह वाइट किया गया, वाइट का इशारा अंपायर की ओर से। थोड़ी थोड़ी दूर गेंदें की जा रही है राहुल की ओर से। ये स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रोक को खेला गया, ब्यूटीफुल स्ट्रेट ड्राइव बाय अनिल। क्या स्ट्रोक खेले जा रहे, स्ट्रेट ड्राइव
ये फुल टॉस गेन कर दी वहां राहुल ने, कोई फील्डर्स नहीं था वहां पे, 17 रन चाहिए अब मैच को जीतने के लिए, 17 रन नीड एंड एंटर इन क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल स्टेज। ये अच्छी गेंद थी, अंदर आती हुई गेंद वहां पे, तेज इन स्विंग किया गया इस बार, नाइस विकेट कीपिंग बिहाइंड द स्टंप बाय जय। 17 रनों की जरूरत अभी भी इस मैच को जीतने के लिए, पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है। ये बेहतर गेंद थी, ये बेहतर गेंद थी, नाइस विकेट कीपिंग बिहाइंड द स्टंप बाय विकेट कीपर विजू के मार्फत अब पहुंचाई जा रही है। इस प्रकार अभी भी 17 रन चाहिए आने वाली 18 गेंदों के ऊपर, 18 बॉल 17, 18 गेंदों के ऊपर 17 चाहिए। लकी गामित को शामिल किया जा रहा है कमेंट्री बॉक्स छोर से, बिना टेन फाइटर की ओर से। फील्डिंग देखिए किस प्रकार है, आशीष फील्डिंग कर रहे हैं डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, डीप पे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर बीजू भाई, डीप स्क्वायर लेग शॉट फाइनल के स्थान के ऊपर धर्मेश, राहुल फील्डिंग कर रहे हैं डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर, अर्पित फील्डिंग कर रहा है शॉट एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर, करण फील्डिंग कर रहे हैं डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर, और इस बार पैर में लगी, इस बार खूबसूरत फील्डिंग वहां पे, ये रन से रोक पाए वहां पे, रोकना चाह रहे थे, लेग ब्रेक था, लेग ब्रेक का इशारा अंपायर की ओर से। अब 16 रन चाहिए 17 गेंदों के ऊपर, 17 गेंदे 16 रन चाहिए, ये बार वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। 15 रन चाहिए अभी भी इस मैच को जीतने के लिए, इस बार स्वीप किया गया, खूबसूरत फील्डिंग वहां पे टप्पे के साथ फील्ड की गई वहां पे राहुल की ओर से डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, उदाहरण चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, पारी का छठा ओवर। ये अपराइट सीम को बहुत बेहतर गेंद किया था वहां पे, पढ़ने के बाद हल्की सी बाहर निकली गेंद, सीम महत्वपूर्ण है गेंदबाज का, क्या गेंदबाजी की जा रही है प्रतियोगिता में लकी गामित की ओर से। इसके आसपास उसके बाद में लेग ब्रेक, ये इस बार कट किया है, गेंद गई वहां पे राहुल की दिशा में डीप कवर बाउंड्री लाइन की ओर, जब तक गेंद को फील किया जाए थ्रो दिया जाए, सूरत थ्रो दिया गया वहां पे, चौदह गेंदों के ऊपर 13 रन चाहिए, 14 बॉल 13, सभी विकेट सुरक्षित है। इस बार फ्लिक किया है राहुल टप्पे के साथ गए, खूबसूरत फील्डिंग वहां पे डीप स्क्वायर लेके फील्डर राहुल की ओर से, तेरह गेंदों के ऊपर 12 रन चाहिए, 13 बॉल 12, इस बार लो ओवर फुल टॉस जरूर थी, गेंद गई वहां पे डीप फाइ लेग की ओर, फुल टॉस गेंद बनाकर स्ट्रोक को खेला, फील्ड की गई वहां पे धर्मेश की ओर से, 2 रन मिले। बारह गेंदों के ऊपर 10 रन चाहिए, 12 बॉल 10 रन, विहा बजरंग 11 के कप्तान और ड्रीम 11 के कप्तान, ये टॉस के लिए आ जाए, जैसे ही ये इनिंग समाप्त होगा के बाद टॉस किया जाएगा और ये तीसरे मैच का मैन ऑफ द मैच भी दिया जाएगा।
12 गेंदे, 12 में चाहिए 10। अक्षय की अगुवाई में टीम है ड्रीम इलेवन, रिया बजरंग, उर्वेश भाई हड़पति। नॉकआउट स्टेज का मैच अभिषेक चौधरी गेंदबाजी के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर है अनिल डोलवण। वर्ष के ऑफ द विकेट को खेला बल्लेबाज ने, गेंद गई वहां पे डीप थर्ड मैन की ओर, जब तक गेंद फंबल किया जा रहा है फील्डर की ओर से, फंबल है, दो रन मिले। 8 रन चाहिए अब आने वाली 11 गेंदों के ऊपर। 11 बॉल 8 रन। और ये 6 रन चले जाएंगे वहां पे डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से, 6 रन। इसी टीम का अगर हिस्सा है उसके लिए 300 रुपये अमान्य है, वैलिड नहीं है वो 300 रुपये। 2 रन चाहिए, 2 रन चाहिए। अच्छी गेंद थी, देखिए पीछे जाकर स्टोक को खेलना चाह रहे थे, अब 2 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। हैनिल आर्मी सुतवाड़ 53 रनों का पीछा किया जा रहा है। इस बार फ्री किया है बल्लेबाज ने, गेंद गई वहां पे शॉर्ट फाइंड की और मिस फील्डिंग की जा रही है वहां पे, रन आउट। ये रन पूरे कर चुके हैं ड्रीम इलेवन के कप्तान भी आ जाए और विहा बजरंग इलेवन के कप्तान।